कितनी सारी गंदगी पड़ी है यहाँ पर और मम्मी पूरी सफाई में लगी हुई है और मम्मी अभी काम कर रही है किचन में। खैर हाँ मम्मी। हाँ बेटा पपीता काट रही हूँ तुम्हारे लिए। तो गई मम्मी यहाँ पर साफ रही है काट रही है पपीता दाल चावल सब्जी ये सब बन गया। देखो गोभी आलू बना रहे हैं फैनी राइस बना रहे हैं मीठा सो रही है राइस और दाल बना रही है। अच्छा दाल भी बना दिया बहुत बढ़िया। कपड़ ककड़ी कपड़ पकड़ी नहीं क्या ककड़ी ककड़िया क्या मम्मी ककड़ी काटूंगी ककड़ी ग्रीन ग्रीन चीजें खाना बहुत फायदेमंद होता है। मैं तो खाता ही नहीं रोज। और तो मम्मी ने यहाँ पर पूरे पपीता काट लिए हैं कट कर लिए हैं और अब इसे हीट करेंगे हम कूलर में पानी भर लिया। हाँ Later. गाइस तो मैंने देखा वो भाई मम्मी इतनी सारी बुक्स पढ़ती है मम्मी इतनी सारी बुक्स बुक्स पढ़ना चाहिए ना हमें स्टडी करना चाहिए स्टडी बहुत जरूरी है। देखो इसमें मेरा आर्टिकल भी है देखो। अच्छा हाँ मम्मी का आर्टिकल भी है इसमें। मम्मी देखो ऐसी लिखती है ना और मम्मी का देखो आर्टिकल अरे दिख ही नहीं पा रहा दिख रहा होगा आपको ये फोटो दिख नहीं दिख रहा मम्मी दिख नहीं रहा लोग दिख नहीं रहा देखो ये जो औरत बड़ी है ए 20 साल पुराना आर्टिकल है। हाँ ये 20 साल पुराना आर्टिकल है। देखो आपकी आपकी मम्मी देखो ठीक है ठीक है सोचो बदल गई मम्मी। अरे बुक्स पढ़नी चाहिए बुक्स में लिखना चाहिए तब तुम्हारे आर्टिकल भी ऐसे मम्मी आर्टिकल बहुत लिखती थी मम्मी में ये आदत तो है जरूरी। देखो बुक्स कितनी सारी बुक्स में पढ़ती हूँ। ये देखो सतगुरु जी की है। सतगुरु जी कौन थे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सतगुरु जी की है ये स्वामी विवेकानंद की और बहुत सारी हैं तो ये हमें बुक्स पढ़नी चाहिए। और ये भी है बच्चे की परेशानी ले पर्सनैलिटी बच्चों को कैसे समझें क्या करें वो भी है। ये भी है वो भाई पूरा ये पूरा ग्रीन क्यों आ रहा है ठीक है तो ग्रीन क्यों आ रहा है बुक्स पढ़नी चाहिए समझ गए ठीक। द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं दिन से और किससे स्टार्ट करें और अभी हो रहे हैं सुबह के 6:10 नहीं सही 6:00 और सम्राट बाबू उठ चुके हैं। अच्छी बात है सुबह जल्दी उठना है क्योंकि अब कल तो स्कूल भी जाना है तुम्हें। ये देखो गाइस में क्या है इसे क्यों खा रहे हो सुबह सुबह देखो भूख का जो फैटपन है ना वो निकलेगा स्टिल होगा ठीक है ना और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज भी करोगे मैं निकलता नहीं हूँ अंदर मेरे में ये आदत है मैं कुछ भी हूँ कुछ चिंगम जैसी चीज जो चिपक जाएगी नहीं मैंने सुन लिया था ना तब से मैं फूटता हूँ। कुणाल के लिए तो बोल दो कुणाल जल्दी से सही हो जाओ तुम और फिर काशीपुर आओ घूमने। कुणाल गेट वेल सून बोलो सम्राट। हाँ कुणाल जल्दी आ जाना काशीपुर ठीक होके। तो आज संडे है तो तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज का
आज तो वो पहले हम जाएंगे रेस्टोरेंट में बर्गर या मंचूरियन या स्वीट कॉर्न खाएंगे। फिर उसके बाद निकल देंगे रेस्टोरेंट से, या तो कम चीज़ी खाऊंगा वहाँ, तो कम चीज़ी खाऊंगा फिर निकल जाएंगे। तो फिर ऑफिस जाएंगे और फिर घर पे आएंगे। चैती का मेला लग रहा है, मेला देखने नहीं जाओगे? अरे चले जाओ मम्मी, इतनी भीड़ में कौन जाएगा? दिन में भीड़ नहीं होती, दिन में मैं फ्री का हूँ। अच्छा, इतने सारे काम है मुझे खाने पीने के। खाने पीने के काम वेरी गुड, ये तो है। खैर खाने पीने के बहुत काम है तुम्हें, तो गर्म पानी पहले पेट पूजा, पहले काम पूजा, पहले पेट पूजा बाद में काम पूजा, दूजा दूसरा काम हम उसके बाद करेंगे, समझ गए? Later. Guys, तो मैंने एक गेम और एक्सरसाइज निकाली अपने लिए, ये कि मम्मी बोलेंगे सेट टू सेट हो जाना है, स्टैंड अप टू स्टैंड अप हो जाना है, और ये माइंड गेम भी है। आप स्टैंड अप में स्टैंड अप बोल सकते हैं, कोई ऐसे नीचे नहीं बैठ सकता। ओके, तो गेम भी है और ये एक वर्कआउट भी है। चलो स्टैंड अप सेट, स्टैंड अप सेट, हम करेंगे 50 टाइम करेंगे, ठीक है? ओके, अगर तुम ऐसे करोगे ना ऐसे ही, अच्छा जैसे अपने पैरों को सीधा करो, बैठे बैठे ही करो, दोनों को मिला के, हाँ ऊपर करो, ये हाँ ऐसे ही रख दो, जमीन पे रख दो पैरों को, सही से रखो। हाँ रखिए, अब अपने पैर छुओ, हाँ ये करो 10 बार करो पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बस रिलैक्स। ये एक्सरसाइज ऐसी बेटा बैठ के ही की हुई, ये तुम्हें एकदम स्लिम बना देंगी, फिट हो जाओगे तुम्हें एकदम। कैसी लगी एक्सरसाइज? अच्छी, ऐसे ही करना है। चलो अब सेट और वो करते हैं, स्टैंड अप सिट, सही से सिट, स्टैंड अप सिट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, मैं वीडियो शूट कर रही थी, पूरा गाँव से पूरा कैमरा ले रहा है नीचे, मैं भागता हुआ आया। मम्मी 1.5 लाख का कैमरा है ये, एक्सरसाइज करो। नो, ये होता है एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है? देखो एक्सरसाइज करना है क्यों जरूरी है पता है? स्लिम होने के लिए, फिट होने के लिए। स्लिम ही तो, स्लिम होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, स्लिम तो बीमार होके भी इंसान हो जाता है, जिसके शरीर को खाना लगे वो भी स्लिम हो जाता है। फिट होना जरूरी है, अंदर से हेल्दी होना जरूरी है, उसके लिए क्या जरूरी है? एक्सरसाइज। अच्छा मम्मी बोलो, डू सिट स्टैंड अप सिट स्टैंड अप सिट। घूमने आए हो तुम छत पे या टहलने? हाँ बताओ, छत पे क्या करने आए हो? वॉक करेंगे जा रही तेरे पे, फिर ना नीचे जाके एक बार, मैं शाम को पेड़ों में पानी दे गई थी, फिर सुबह फिर देंगे। अब यहाँ कोई वॉक नहीं करता सुबह सुबह, छतों पे नहीं करती हूँ मैं। चलो सम्राट बेटा वॉक करो, लंबा लंबा चलो। 3 hours later. Hey guys, मैं खा रहा हूँ अपना फेवरेट फूड, फिर से चावल और मटर पनीर, मटर
मशरूम तुम्हें अच्छे लगते हैं? बड़ा टेस्टी है। मौसम तो आज बारिश का कर दिया तुमने, बारिश होगी क्या आज? तो फिर आज ठंडी हवा चल रही है। अरे वाह वेरी गुड। तो फिर तुम कहीं जाओगे क्या संडे को? आज पासपोर्ट साइज दो फोटो खिंचा के लाने, पापा के संग जाना भी और फोटो खिंचा लाना। कल स्कूल में मंगाए हैं, पता नहीं मैम का मैसेज आया था स्कूल में और कहा है आधार कार्ड भी बनवा के जमा करो। मम्मी आधार कार्ड से तो पापा से बात करना ना, पापा आ जाएंगे पापा से। हाँ तो पापा का कह देना मैडम ने कहा है, ठीक है ना? जिस दिन आधार कार्ड बनवाने ले जाते उस दिन ही बन जाता है। मेरा तो खुद नहीं बना। देख लेना, पापा को पता होगा ना, मुझे नहीं पता। तो खा लो फिर, तैयार होना है तुम्हें, ठीक है? ठीक है, तो मैं तैयार हो जाऊ और अभी मैं जाऊंगा पापा के साथ। अब मौसम कैसा है? मौसम बहुत बुरा हो रहा है यहाँ। हो रहे हैं गाइस बहुत सारे बादल और मौसम है सुहाना क्योंकि हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। ठंडी ठंडी हवाओं से मौसम बहुत अच्छा हो गया है और अब गर्मी का असर थोड़ा कम हो रहा है। तो आज क्या है? आज है अंबेडकर जयंती। तो आप सबको अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं। अंबेडकर जी हमारे लिए बहुत जरूरी थे, उनका होना हमारे लिए सब कुछ है क्योंकि हमारे संसार का जो हम देश में रहते हैं भारत, उसके नियम कानून किसने बनाए हैं? अंबेडकर ने। जी अंबेडकर जी ने, अंबेडकर ने अंबेडकर जी ने बनाए हैं। उन्होंने बनाए थे। लॉ कहाँ से आई, कानून कहाँ से आए? उन्होंने ही तो संविधान लिखा है। अंबेडकर जी ने जो लिखा था ये सब कुछ, हाँ उन्होंने ही हमारे कानून लिखे थे क्या? हमारे देश के नियम कानून उन्होंने ही लिखे हैं। खास तौर पे लड़कियों को तो उनका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि उनकी बदौलत ही लड़कियों के नियम बन पाए हैं, वो कुछ कर सकती हैं, वरना वो सिर्फ किचन में ही रहती और जिंदगी भर घर की पर्दों के पीछे बंद होकर ही रह जाती। लेकिन लड़कियों को जो आज़ादी मिली है, घूंघट प्रथा से आज़ादी मिली है, अपने अधिकार का हक मिला है, वो सारे हक अंबेडकर जी ने ही लिखे दिए थे। संडे को ही लिखे थे, अंबेडकर जी ने लिखे थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था, तो ये दिन इसलिए हमारे लिए खास है। अच्छा समझ गए। तो गाइस फिर इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। अगर आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।